श्रीनगर में हम हवल से हैं। ओके नाइस। मेरे फादर सोपोर से हैं मगर अब हम रहते हैं हवल में। हवल में रहते हैं। ओके कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा है। मज़ा है ना? मेरी फिल्म देखी? हाँ आपकी भी देखी, वो बहुत अच्छी थी। क्या नाम था मेरी मूवी का? अधीरा का रेडियो। नाइस अधीरा का रेडियो। और अधीरा का रेडियो आई विश कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। इनके साथ तो मेरी शेयर हो चुकी है, ये इन्होंने भी बहुत पसंद करी है। इनकी मूवी देखने का टाइम आ चुका है जो हम अभी जाकर भीम हॉल में जाकर देखेंगे या नालंदा हॉल में? नालंदा हॉल में जाकर देखेंगे, वहाँ कास्ट होगी। सो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत घूमेंगे, खाएँगे पियेंगे ना, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। सो गुड लक मेरे दोस्त, तुमने भी चक देने पड़ते। क्या कर देना? चक देने पड़ते। और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। कोई है क्या? कहाँ चले गए सब? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कोई उनकी धुन बनाए, कोई उनका गीत गाए। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं। फैज को भूला नहीं जा सकता। फैज को भुलाने वाले इस धरती पे जो मिट्टी की खुशबू है उसको नहीं जानते। पैसा लगा के कर रहे हैं, इसको लगाने के बाद में हमें पैसा कैसे मिलेगा? हमारी जो हम तो ने समाज के लिए कुछ किया इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, हमें अपनी दाल रोटी के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? इसका खरीदार कौन है? इसका स्पॉन्सर कौन है? तो ध्रुव उपमन्यु सर जी ने जो हमसे ये सवाल पूछा है, इसका जवाब देना बहुत ही लाजमी है, और इसका जवाब मैं आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा और एक न्यू वीडियो फ्रेश अपलोड करूंगा, ताकि आपके दिमाग में भी इस तरह के अगर कोई सवाल हैं तो आपको भी जवाब मिल सकें, क्योंकि बहुत ही लाजमी सवाल है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को इन्जॉय करें और वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और द बेस्ट पार्ट इज इसी के अपोजिट में ये रेडियां वगैरह लगती हैं, जहाँ पे कपड़े खाने का सामान ये सब लगता है। सो जितना रश आपको इन शोरूम्स में मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा रश आपको इन रेडियो में जो बाहर लोकल वेंडर्स हैं, सेलर्स हैं, जो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी या कुछ भी बेचते हैं, उनके पास मिलेगा। सो यही है असली दिल्ली, ये दिल्ली है मेरी जान। ये पालिका बाज़ार की पार्किंग और इसी भी आगे जाके है पालिका बाज़ार, सामने है सीपी की एक और मार्केट। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਸਵੇਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਕਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਸਰ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਕੇ 200 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਹੁਣੇ 10.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਾਈਨਲੀ? ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ?
ਬਸ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਆ ਕੋਈ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ।